तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? गाइस आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आपके पास भी अपनी वेबसाइट या कोई ब्लॉग वगैरह है, या आप किसी वेबसाइट के अंदर एमसीक्यूस टाइप के क्वेश्चन वगैरह बनाते हैं, तो गाइस आज की सन्डे वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप एमसीक्यूस टाइप के क्वेश्चन कैसे बना सकते हो, मतलब कि उसकी कोडिंग मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। जी हाँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह का कोड मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसको जैसे आप अपने वेबसाइट के अंदर अप्लाई करेंगे, यहाँ से सीधा कॉपी करके अप्लाई करेंगे, तो गाइस कुछ इस तरह का आप कोड बना पाएंगे। यहाँ पे आप क्वेश्चन को और ऑप्शन को कैसे एडिट कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो गाइस सबसे पहले मैं इंटरफेस के बारे में बता दूँ, कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। गाइस यहाँ पे आप अपने थंबनेल अपने अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ आप देख पा रहे होंगे ऊपर की, ये सारी चीज़ें आप अपडेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको कैसे अपडेट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन एड करना है वो सारे आप यहाँ पे एड कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए एक से लेकर आप 1000 तक के जितने भी क्वेश्चन एड करना चाहो वो एड कर सकते हो। यहाँ पे मतलब क्वेश्चन जितने आपकी मर्जी हो उतने एड कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे जैसे मार्क्स वगैरह की बात करें, यहाँ पे आपको +1 देना है, -1 देना है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हो। माइनस मार्किंग रखना चाहते हो तो माइनस मार्किंग वगैरह भी इस कोड के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करा है। साथ ही साथ यहाँ पे बेहतरीन चीज़ मैंने आपको टाइमर प्रोवाइड किया है। गाइस ये टाइमर को भी आप एडिट कर सकते हो, जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए किसी क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड देना चाहते हो, 45 सेकंड देना चाहते हो, 1 मिनट देना चाहते हो, 2 मिनट देना चाहते हो, वो सारी चीज़ें एडिट कर सकते हो, मतलब कि इस टाइमर को भी आप इजीली एडिट कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने फुल स्क्रीन के हुए ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया है, साथ ही साथ स्केप का भी बटन मैंने प्रोवाइड किया। और गाइस यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे सेव नेक्स्ट और एंड में सबमिट बटन भी आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस ये कोड बहुत ही ईजी है, जी हाँ आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह का कोड है। गाइस इसको मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। गाइस बस आपको यहाँ पे एक गलती नहीं करनी है कि आपको ये जिस कोड को एडिट करते टाइम में कोई चीज़ हटानी नहीं है, मतलब कि मैं आपको एक ब्लैंक कोड प्रोवाइड करूँगा जिसके अंदर आपको सिंपली यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन है वो लिखना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन जो उस क्वेश्चन के है वो लिखना है यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको राइट आंसर कौन से नंबर का है। एग्जाम्पल के लिए इस क्वेश्चन के अंदर ये राइट ऑप्शन चौथे नंबर का है, तो बस यहाँ पे आपको 4 लिख देना था। उसी टाइप से ये सेकंड क्वेश्चन भी देख सकते हैं, बस यहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस में इस जो सेमी कॉलम है इसके बीच में आपको अपना क्वेश्चन लिख देना है। साथ ही साथ यहाँ पे अपने 4 ऑप्शन यहाँ पे ऐड करना है, और जो राइट आंसर है उसको यहाँ पे आपको लिख देना है, जैसे कि पहला नंबर का यहाँ पे राइट आंसर है। गाइस आपको बिल्कुल बच्चे के जैसे मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको HTML के बेसिक नॉलेज नहीं भी है तो बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस कोड को कॉपी करके जस्ट अप्लाई करना है। अप्लाई करते ही सारा कोड आपका वर्किंग करने लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये सारा मैंने कोड कॉपी किया, मैं अपने ब्लॉग के अंदर चलता हूँ। जस्ट आपको यहाँ पे नई ब्लॉग ओपन करने के बाद नई पोस्ट क्रिएट करनी है। जैसे आप देख सकते हैं एक नई पोस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट करी, और जाके इस कोड को बस पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ। बस मैंने आपको बिल्कुल रेडी कोड प्रोवाइड किया गाइस। जैसे ही आप इस कोड को जाके वहाँ पेस्ट करेंगे, अपने MCQ क्वेश्चन एड करेंगे, ये सारा कोड जैसे का वैसा यहाँ पे रन होने लग जाएगा। तो गाइस इस कोड के बारे में बता दूं, इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है, जाके डाउनलोड करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। गाइस अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने कुछ इस तरह का कोड प्रोवाइड किया था, जो कि बहुत ही इजी टाइप का था। यहाँ पे आपको अपना क्वेश्चन दिखता था, साथ ही साथ 4 ऑप्शन दिखते थे, और यहाँ पे आपको एक सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखता था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर टाइमर नहीं था, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऐड किया। क्वेश्चन पे माइनस मार्किंग, प्लस वगैरह, रिजल्ट वगैरह, एंड में जो रिजल्ट दिखाते वो उसके अंदर भी कई सारी खामियां थी। और गाइस साथ ही साथ यहाँ पे स्किप बटन नहीं था। और गाइस यहाँ फुल स्क्रीन बटन की बात करें तो ये फुल स्क्रीन बटन मतलब मोबाइल के लिए दे रखा है मैंने। मोबाइल के अंदर आप एक्सेस करते हो तो ये मोबाइल के अंदर फुल स्क्रीन करने का, तो गाइस ये मोबाइल के अंदर ही फुल स्क्रीन लिखा हुआ दिखेगा भी, मतलब कि अगर आप इसको डेस्कटॉप में ओपन करेंगे तो फुल स्क्रीन लिखा दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं वो सारी चीज़ें वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये देख लीजिए, यहाँ पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मतलब कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं भी देखी तो आप स्टार्टिंग से ये वीडियो देख लीजिए, और इस कोड को कैसे अपनी वेबसाइट में या फिर ब्लॉगर पे आप अप्लाई कर सकते हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप धीरे धीरे समझ जाइए। गाइस इसकी वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे एरर वगैरह आने के चांसेस है। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आप ये चीज़ें समझ नहीं पाएंगे कि कैसा एरर वगैरह फिक्स की जाती है। गाइस एरर भी छोटी मोटी, अगर आपने एक दो सेमी कॉलम वगैरह, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे सेमी कॉलम है, ये यहाँ से ऐसे हटा दिया तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, ये कोड रन नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये मैंने यहाँ से हटाया, इसको सेव किया, और ये देखिए यहाँ पे रन करूँगा,
ये देखिए इस तरीके से ब्लैंक आ जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल, जो जो जैसी प्रोसेस है उसको बस वैसे वैसे अप्लाई करना आपको। तो गाइस सिंपली मैं आपको बता दूँ कि इस कोड को आपको सिंपली कॉपी करके और वैसे का वैसे अप्लाई कर देना, तो ये सारी चीज़ें वैसे के वैसे वर्क करने लग जाएगी। तो गाइस चलते हैं, मैं सबसे पहले आपको ये कोड आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, यहाँ पे टाइमर वगैरह होगा। तो गाइस सिंपली सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं। गाइस यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने कुछ भी नहीं दे रखा है, स्टार्टिंग में सीधा यहाँ से स्टार्टिंग हो रखा है। तो गाइस आपको सिंपली क्या करना है, इस कोड को कॉपी करना है अपनी वेबसाइट के अंदर जाके, यहाँ पे एडिट जाके पेस्ट करके एडिट कर सकते हैं। या गाइस सिंपली मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि ये देख लीजिए, आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपने डाउनलोड किया, ये डाउनलोड वाला आया, तो इसको राइट क्लिक करना है और ओपन विथ पे जाना है। यहाँ पे कोई भी नोटपैड के अंदर ओपन कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए ये नोटपैड है, इसके अंदर भी ओपन करूँगा तो ये इस तरीके से यहाँ पे सारे का सारा कोड ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि नोटपैड में ओपन ना करके यहाँ पे करता हूँ प्रोग्रामर नोटपैड में। तो प्रोग्रामर नोटपैड के अंदर ओपन करने से क्या है, यहाँ पे एरर वगैरह कोई भी होती है तो वो दिख जाती है, हमें हाईलाइट कर जाती है, ठीक है। तो ये प्रोग्रामर नोटपैड के अंदर मैंने एडिट करनी है। आप भी इस तरीके से ओपन करिएगा, यहाँ पे इस तरीके से होगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, जैसे आप इस कोड को डाउनलोड करेंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैं पहले क्वेश्चन हटा देता हूँ, ये देखिए गाइस कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये कोड होगा, मतलब कि ब्लैंक होगा। तो बस यहाँ पे आपको पहले नंबर पे अपना जो भी क्वेश्चन है वो लिख देना है, जैसे कि मैं क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से ये मैंने डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पे ये चार ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन भी इस तरीके से यहाँ पे ब्लैंक होंगे, ये देख लीजिए आपको यहाँ पे ब्लैंक होंगे। तो बस आपको ये चारों ऑप्शन के अंदर चार जो भी इसके ऑप्शन हैं वो लिख देने हैं आपके, आपको मतलब कि जो भी इसकी वैल्यू होगी वो लिख देनी है, ठीक है। जैसे कि ये मैं अभी बैक कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो गाइस आप लोग समझ पा रहे होंगे कि चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे होंगे, चारों ऑप्शन के अंदर आपको अपनी वैल्यू पुट करनी है, वो ब्लैंक दे रखे होंगे, ठीक है। तो इसमें से गाइस जो राइट ऑप्शन होगा उसको उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए पहला क्वेश्चन आपका राइट आंसर है तो यहाँ पे आपको 1 लिखना होगा, अगर आपका दूसरा क्वेश्चन राइट आंसर है तो 2 लिख देना होगा, और अगर आपका चौथा क्वेश्चन राइट आंसर है तो 4 लिख देना, ठीक है। जिसके बाद में गाइस ये यहाँ से ये जो इतना क्वेश्चन है वो सेपरेट हो जाता है। उसके बाद गाइस सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्टिंग होता है, जैसे कि ये ओपनर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको सिंपली क्वेश्चन लिखना है, उसके चार ऑप्शन यहाँ पे नीचे लिखने, और गाइस चार ऑप्शन के बाद में यहाँ पे गाइस उसका आंसर लिखना है। तो गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप कोई भी चीज़, जैसे ये एक कामा है, इसको भी एक कामा को भी नहीं हटाना है, ये कामा है, इस कामा को भी नहीं हटाना है। गाइस जो प्लेस आपको क्वेश्चन और ऑप्शन लिखने के लिए दे रखा हूँ, बस उस प्लेस पे जाके आपको एडिट करनी है, उसको ही एडिट करना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे, ये मिस्टेक मत कीजिएगा कि आपने जैसे कि एग्जांपल के लिए ये सेमी कॉलम ही यहाँ से हट गया तो एरर आ जाएगी, ये कोड वर्क नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ इस तरीके से ओपन करके, यहाँ रन करके, ये देखिए वर्क नहीं करेगा, पूरा ब्लैंक हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे इस तरीके से कंट्रोल जेड कर देता हूँ, और गाइस अगर एरर आती है ना तो एरर हटाने के लिए आपको यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने 10 क्वेश्चन का सेट बनाया तो 5 हटा दीजिए, 5 दूसरे प्लेस पे कॉपी करके रखिए, 5 को रन करवा के देखिए, फिर 5 में अगर रन हो जाता है तो फिर उसके बाद में एक एक क्वेश्चन ऐड करते जाइए, तो किस क्वेश्चन के अंदर एरर है वो आपको पता चल जाएंगे ऐड करते हुए। यहाँ पे अगर ब्लैंक रन करवाती है, अगर ब्लैंक आपको दिखाई दिया तो वो आपको पता चल जाएगा। और गाइस ये रन कैसे करवाते हैं, तो गाइस अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट में जाके रन करवाएं तो वो तो अलग मैटर है, वहाँ पे डायरेक्ट प्रीव्यू देख सकते हैं। गाइस मैं आपको रन करवाना भी बता देता हूँ, जैसे कि आपने मैंने ये बताया था कि इसको ओपन करना है तो ओपन विथ पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे नोटपैड में ओपन करना है, या फिर जो भी आपके पास प्रोग्रामर नोटपैड पढ़ा हो उसके अंदर करना है। और अगर रन करवाना है तो कोई भी ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि यहाँ पे क्रोम है, इसको ओपन कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से रन हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया है, कोई मिस्टेक की होगी, ये देखिए इसको सेव नहीं किया था हमने एडिट करने के बाद, ये इसको फिर से रीलोड करने थे, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आने लगा, ठीक है। तो गाइस ये तो हुई हमारी ऑप्शन ऐड करने के बाद बात, अब आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ, यहाँ पे टाइमर को कैसे एडिट कर सकते हैं आप वो देख लीजिए। गाइस नीचे चलते हैं हम, यहाँ पे इस कोड के एंड में आ जाना, गाइस आपको एंड में आ जाना है, ठीक है। एंड में आने के बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है, टाइमर स्क्रिप्ट, ठीक है। टाइमर के अंदर आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कितना टाइमिंग देना है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। एग्जांपल के लिए आप हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे देना चाहते हैं 10 सेकंड देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मैं 10 सेकंड देने के बाद यहाँ सेव कर देता हूँ, और जैसे ही इस पेज को लोड करके दिखाता हूँ,
ये देखिए 10 सेकंड मैंने दिए, तो यहाँ 5 क्वेश्चन के लिए कितने आए, उसने 50 सेकंड दे दिए, ठीक है। तो गाइस ये चीज़ हो गई। और गाइस एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ सेट कर रखी है टाइमर के अंदर, जैसे ही ये क्या होगा यहाँ पे 10 सेकंड आखिरी के बचेंगे, एक मिनट गाइस मैं बता दूँ आपको यहाँ पे, जी हाँ ये देखिए, जैसे ही यहाँ पे देखिए 30 सेकंड बचेंगे आखिरी के, तो ये इसका कलर और बैकग्राउंड रेड हो जाएगा, मतलब टाइमर रेड करके दिखाई देगा, ये देख लीजिए गाइस। जैसे ही 30 सेकंड के नीचे आए ये रेड करके दिखा दिया, मैं रीलोड करके दिखाता हूँ, पहले तो यहाँ पे ग्रीन था और इसका कलर वाइट था, जैसे ही 30 सेकंड के नीचे आएगा वो रेड करके दिखाई दे देगा, वो आपको यहाँ से ऐड कर लेना है, जिसकी यहाँ पे ये देख लीजिए टाइम का यहाँ पे ये ऑप्शन आप देख लीजिए यहाँ पे है, तो ये इस वैल्यू का आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, एग्जांपल के लिए 120 सेकंड कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको सेकंड के अंदर करनी है, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे है वो चीज़, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से आपको बता भी देता हूँ कि यहाँ पे आप इस तरीके से यहाँ लिख देता हूँ, मैं इसके लिए आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हाईलाइट, ये हाईलाइट लिख दिया। वैसे इसके अंदर आप अगर 30 सेकंड की जगह 120 सेकंड कर देंगे तो 2 मिनट पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका टाइमिंग कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। और जैसे ही गाइस एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये देखिए जैसे कि मैं आपको फिर से रीलोड करके दिखाता हूं गाइस एक चीज़, ये तो ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने इसका जो टाइमिंग दे रखा है वो अभी 50 सेकंड का दे रखा है, मतलब कि टोटल आपको 50 सेकंड मिलेगा, पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 10 सेकंड मिलने वाले हैं, तो टोटल 5 क्वेश्चन के लिए आपको 50 सेकंड मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले चीज़ जो आपको बताई थी कि वो है ना, आप यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते चले गए, और ये देखिए कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते चले गए यहाँ पे, वैसे सारे अभी ये हो रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से। और अगर एक दो क्वेश्चन या एंड में आप चले गए हो और आपके कुछ क्वेश्चन बच गए और आपका टाइमिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो ऑटोमेटिक ये सबमिट भी कर देगा, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला था। ये देख लीजिए जैसे कि आप देखिए यहाँ पे रेड हो रखा है, तो ये देख लीजिए जैसे ही यहाँ पे 6, 7, 5, 4 वेट करते हैं ये टाइमिंग कंप्लीट होने का, तो ये देख लीजिए गाइस यहाँ टाइम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप किसी ऑप्शन को ना सेलेक्ट कर सकते हैं, ना उसका रिप्लाई दे सकते हैं, ना स्किप भी नहीं कर सकते गाइस, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए इसने दिखा दिया टाइम ओवर सबमिट टेस्ट, ठीक है। बस यहाँ पे आपको ओके का बटन देखने को मिलेगा, जैसे ही आप ओके करेंगे आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये देख लीजिए आपका रिजल्ट के अंदर भी आप ये देख लीजिए गाइस, यहाँ आपने कुल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए 5, चयनित क्वेश्चन कितने हैं वो भी दिखा देगा, साथ ही सही क्वेश्चन कितने हैं वो भी दिखा देगा, गलत कितने क्वेश्चन हुए वो भी दिखा देगा, स्किप कितने क्वेश्चन किए वो भी दिखाएगा, और आपका फाइनल परसेंटेज भी दिखाएगा। तो गाइस यहाँ माइनस में दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है गाइस माइनस में, आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ के चारों ही चारों क्वेश्चन गलत हुए। तो गाइस यहाँ पे फाइनल जो परसेंटेज है वो भी दिखाएगा, और गाइस फाइनल स्कोर वो भी माइनस में दिखा रहा है आपका, देखो, क्योंकि आपके चारों के चारों क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे 0.33 की माइनस मार्किंग के साथ में ये जो है आपका आंसर दिखाई देगा यहाँ पे। और गाइस यहाँ मैंने एक ट्राई अगेन का बटन लगा रखा है, जिस पे आप क्लिक करते ही उसी पेज पे वापस चल जाएंगे, और यहाँ पे देखिए गो नेक्स्ट। तो गाइस यहाँ पे मैंने थोड़ी लिंकिंग वगैरह करी है, वो चीज़ मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ कट का निशान है, उसको भी क्लिक करके आप मतलब उसी पुरानी स्क्रीन पर जा सकते हैं। गाइस इसके बारे में बता देता हूँ ये चीज़ मैंने क्या कर रखी है। गाइस ऐसा होता है कि अगर आपका कोई एक टेस्ट पे एमसीक्यू टेस्ट पे कोई बंदा आता है, उसने टेस्ट लगाया, उसके बाद में गाइस क्या होता है वो वेबसाइट से बाहर ना जाए, मतलब कि अगले क्वेश्चन के पे चले जाए, इसके लिए मैंने ये लगा रखा है। और इसके बारे में बता दूं, यहाँ पे एडिटिंग के अंदर चलते एंड में लगा रखा है, देखो नेक्स्ट टेस्ट करके एंड में लगा रखा, और यहाँ पे उसकी लिंक डाल रखी है जिस पे हमको भेजना चाहते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है कि जैसे ही वो कोड मतलब एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाए, उसको स्कोर दिखा दिया जो, तो एंड में वहाँ पे ट्राई नेक्स्ट का ऑप्शन के अंदर ये लिंक डाल रखी है, तो इसको आप चाहे तो अपडेट कर सकते हैं, मतलब कि जो पेज पे आप इसको उसको भेजना चाहते हो वो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि बंदा एक क्वेश्चन के लगाने के बाद में दूसरे क्वेश्चन पे चल जाएगा, तीसरे पे जाएगा, ऐसे सारे पेज पे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, इसको भी आप अपडेट कर सकते हैं। और गाइस इसके बारे में और एक चीज़ बता दूँ मैं यहाँ पे, ये ऊपर जाता हूँ मैं, तो ये देखिए यहाँ पे गाइस जैसे कि ये मैं स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर दे रहा हूँ,
यहाँ पे गोनेस्ट की बटन के साथ साथ मैंने यहाँ पे ये देख लीजिए ये कर रखा है। तो गोनेस्ट की बटन पे मैं आपको बता दूँ कि दिखना क्या चाहिए, जैसे कि एग्जांपल के लिए स्किप करते जाता हूँ मैं। गोनेस्ट की बटन पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे लिंक नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक टेस्ट दिखाई दे रहा है जो कि मैंने टेस्ट यहाँ पे लिख रखा है। तो गाइस आप ये भी देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको टेस्ट लिखना है जो भी आप लिखना चाहे, या तो इसको हटाना चाहे तो यहाँ पे ये सारी की सारी बटन भी हटा सकते हैं आप। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल के लिए ये मैंने बटन हटा दिया यहाँ से और सेव किया, तो ये बटन हटा भी सकते हैं आप जैसे चाहे वैसा कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ से बटन हट भी गए, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए मैंने कर रखा है, थोड़ा HTML वगैरह की नॉलेज है आपको तो आप इसको चाहे तो यहाँ पे इस तरीके से एक एक पेज एक के बाद एक लिंक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ और ऐड कर रखी है, वो बता देता हूँ, स्किप बटन ऐड कर रखी है। इस स्किप बटन का भी यहाँ पे पर्टिकुलर यूज़ हो रखा है, मतलब कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किया तो ये गलत हो गया, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे करा वो सही किया, ठीक है। अब जिसके बाद में यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, मैं तीनों को क्या करता हूँ स्किप कर देता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन स्किप किए, 3 क्वेश्चन स्किप के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन स्किप हो गए मेरे। तो गाइस फाइनल मार्किंग के टाइम में वो 3 क्वेश्चन मेरे यहाँ पे ऐड नहीं होंगे, ठीक है, मतलब कि वो यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन किया था, एक सही किया एक गलत किया। तो एग्जांपल के लिए मैं बता दूँ, यहाँ कैलकुलेटर खोलता हूँ मैं, तो गाइस ये देख लीजिए कैलकुलेटर खोल लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये देख लीजिए। तो कैलकुलेटर एक क्वेश्चन सही किया तो उसके राइट आंसर मैंने जैसे कि यहाँ पे पेज पे दिखा रखा था, राइट आंसर क्या होता है, राइट आंसर +1 होता है और -33 होता है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन सही हुआ उसमें से -0.33 कर दिया, 0.67 इस तरीके से मेरे वहाँ पे नंबर आए थे गाइस, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो ऐसे करके यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और गाइस सारी चीज़ें मैं आपको 1 by 1 एक्सप्लेन करूँगा, साथ ही साथ इस कोड को अप्लाई कैसे करना है वो देख लीजिए सबसे पहले। तो गाइस ये सारा कोड मैंने यहाँ से कॉपी किया, जाके आपको सिंपली क्या करना है, अपना जो भी ब्राउज़र है यहाँ पे, ये ब्राउज़र को मैं सबसे पहले यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। तो गाइस ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने पहले से एक ऐड कर रखा था, उसको हटा देता हूँ सबसे पहले, ये हटा दिया गाइस, ठीक है। वो अभी बता रहे टाइम में ऐड कर लिया था मैंने, यहाँ पे न्यू पोस्ट पे चले जाते हैं हम सिंपली। आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जाना है, इस कोड को पेस्ट करना है सिंपली। आप यहाँ पे सारी जाके यहाँ पे भी सारी एडिटिंग कर सकते हैं गाइस, स्टार्टिंग समझते हैं गाइस। आप यहाँ पे जाएंगे, पहला क्वेश्चन आपका जो भी है यहाँ पे लिख लीजिएगा, उसके 4 ऑप्शन यहाँ पे नीचे साइड में आप देख पा रहे होंगे, 4 ऑप्शन लिखने की जगह है, वो 4 ऑप्शन गाइस यहाँ पे ब्लैंक कुछ इस तरह का मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जी हाँ इस तरह का। तो यहाँ पे आपको जो भी अपना क्वेश्चन लिखना है वो क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। जिसके बाद में गाइस 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन इसके बीच में लिखने हैं, ठीक है गाइस, ये 4 ऑप्शन लिख देंगे और उसके बाद में राइट आंसर यहाँ पे। तो गाइस इसके अंदर देखिए मैंने कुल टोटल लिए कितने, 5 क्वेश्चन लिए। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा करने की प्रोसेस कैसे है मैं आपको बता दूँ, ये पूरा इतना पोर्शन आपको कॉपी करना है और यहाँ पे एंटर मारना है और ये इतना ये इसको पेस्ट कर देना है। तो गाइस यहाँ पे ब्लैंक कोड और इसको ऑप्शन जो भी आप इसको एडिट करके यहाँ पे क्वेश्चन जो भी लिखना चाहे नए क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे 5 की जगह 6 क्वेश्चन हो गए, अब प्रीव्यू करके देखते हैं, ये देखिए प्रीव्यू लोड हो रहा है, वेट करते हैं थोड़ा सा, इसी प्रीव्यू नेट की वजह से हो रहा है, ठीक है। जब तक कि ये प्रीव्यू लोड हो रहा है मैं आपको बता दूं ये इस तरीके से क्वेश्चन, अब यहाँ पे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर क्विज ये जो निखार है इसको भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए ये देखिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर क्विज यहाँ पे जो ऊपर आ रहा है इसको आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। और गाइस जैसे कि आपने कोई वेबसाइट ये इसके अंदर ये जो मैंने थंबनेल लगा रखा है स्टार्टिंग में, आप यहाँ स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे इंटर मार्क है यहाँ पे थंबनेल भी लगा सकते हैं, अपनी जो भी थंबनेल वगैरह अपलोड करना है यहाँ से जाके आप अपलोड कर सकते हैं गाइस, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे कोड पे नीचे चलते हैं, तो गाइस ये देख लीजिए सामान्य ज्ञान जो प्रश्न है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस टेक्स्ट को ऐसे के ऐसे एडिट कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहेंगे वो आप यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, और जो नेक्स्ट ट्राइड इट लिखा है मैंने उसको भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। जिसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं, ये टाइमर का बता देता हूँ, टाइमर कहाँ पे है ये नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, और ये टाइमर का मैंने आपको बता दिया कि ये टाइमर कहाँ से आप ये कर सकते हैं,
ये देखो गाइस टाइमर स्क्रिप्ट लिखा है यहाँ पे, आप पर्टिकुलर हर क्वेश्चन के लिए कितने सेकंड लेना चाहते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए 54 सेकंड देना चाहते हैं या 1 मिनट देना चाहते हो, 1 मिनट देना चाहते हो 60 सेकंड लिख दीजिएगा आप, ठीक है। इसके बाद में आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये कर सकते हैं और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे ये मैंने हाईलाइट का भी बता रखा था कि अगर आपने आप चाहते हैं कि 30 सेकंड बचे एंड में तब हाईलाइट देना चाहे तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, या अगर आप 2 मिनट पहले देना चाहते हो तो 120 सेकंड यहाँ पे लिख दीजिएगा, वो आपके ऊपर है जो भी आप चीज़ करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद में नीचे जाते हैं आप यहाँ पे देखो सबसे बाद में जैसे कि जैसे पेस हम क्या करते हैं ये मैंने ये वाली चीज़ बता देता हूँ। नेक्स्ट फंक्शन के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि कैसे उसको अप्लाई किया था मैंने, जैसे कि आप देख लीजिए ये वाला था वो नेक्स्ट फंक्शन, ये जो है मैंने इंटर लिंकिंग कर दी है एक पेज से दूसरे पेज पे एंड में वो चले जाएंगे, मतलब कि एक को अगर वो एक एमसीक्यू उसने लगाए तो उसके बाद में मैं उसको दूसरे एमसीक्यू पे जाने के लिए प्रेरित करूँ, या तो ये वो यहाँ से कट के निशान पे जाके वापस भी जा सकता है, ये ट्राई अगेन भी कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो कर सकता है, ओके। तो गाइस इसको भी आप यहाँ पे समझ लीजिए कि उसको कैसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे उसका जो URL है, जो URL पे आप भेजना चाहते हो वो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, या फिर ये इसको नहीं करना चाहते हो तो ये बटन भी हटा भी सकते हैं। ये ट्राई नेक्स्ट फंक्शन है, इसको पूरा हटा दीजिएगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर नहीं आप ये करना चाहते हो इसको हटा दीजिएगा, तो इस तरीके से ये हटा दीजिएगा। और यहाँ पे चलते हैं गाइस, ये ऊपर साइड में आ जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये बटन दे रखी है, ये बटन है गाइस ट्राई नेक्स्ट करके, यहाँ पे आप फाइंड कर दीजिएगा, ये बटन है इसको हटा दीजिएगा तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो हट के अपडेट कर देंगे, जैसे अपडेट करेंगे वो सारा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैं तो रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में सेकंड चीज़ मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ ये दिखा रखी है, तो ये फुल स्क्रीन की बटन दिखा रखी है, ठीक है। तो ये आप चाहे तो इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, लेकिन ये डेस्कटॉप के अंदर कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन मोबाइल के अंदर ये पर्टिकुलर वर्क करेगा, जिसके मोबाइल की स्क्रीन भी हम अगर आप मोबाइल के अंदर इसको ओपन करेंगे तो ये कंप्लीट फुल स्क्रीन पे होके आपका टेस्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको आपको कैसे मैनेज करना है, मतलब कि हाईलाइट बटन यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर नहीं दिखाई दे, ये वो कैसे कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। आपको यहाँ पे स्क्रीन वगैरह सेट करके दे देता हूँ मैं गाइस, ये आपको एडिट नहीं करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ, ये गाइस मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैं विथ जो है वो 800 पिक्सल ले देता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट में अपडेट करके यहाँ पे आपको आप लोगों के अंदर छोड़ दूंगा, तो उससे होगा क्या, जैसे ही आप जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ये कोई भी पहला इसके पहले का कोड ओपन करके दिखा देता हूँ गाइस, जैसे कि ये देख लीजिए यहाँ पे आपको बटन नहीं दिखाई दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि मैंने इस कोड के अंदर वो पहले से एडिट करके रखा है, वो सारा कोड मैं आपको वैसे का वैसा प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आपको एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको बस क्या है अपना टाइमर वगैरह देख लीजिएगा और क्वेश्चन और ऑप्शन एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अगर आप डेस्कटॉप में ओपन करेंगे ये फुल स्क्रीन करने का ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा, लेकिन अगर मोबाइल के अंदर करेंगे तो फुल स्क्रीन का ऑप्शन यहाँ पे आपको आ जाएगा, और मोबाइल के अंदर जैसे ही फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे फुल स्क्रीन में दिखाई देगा, और जैसे ही उसको हटाएंगे मतलब यहाँ पे कट का निशान भी दिखा रखा है मैंने गाइस, वो भी रहेगा, ये एक मिनट इसको रीलोड कर देता हूँ, कट का निशान भी दिखा रखा है मैंने आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पे ये कट का निशान पे जैसे ही क्लिक करेगा तो फुल स्क्रीन की जगह हाफ स्क्रीन भी हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से मोबाइल के अंदर क्या होगा ये पूरा कवर कर लेगा, और जैसे ही कट के निशान पे क्लिक करेंगे वो जैसे का वैसा वापस रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब बात की जाए गाइस, मैंने आपको अभी तक की सारी चीज़ें समझा दी, क्वेश्चन कैसे कर सकते साथ ही साथ ऑप्शन कैसे ऐड कर सकते, स्किप बटन पे कैसे आप मतलब कि क्वेश्चन स्किप करेगा, एंड में रिजल्ट वगैरह के भी बता दिया। तो गाइस मैंने रिजल्ट के बारे में बताया तो है, लेकिन आप इसको चाहे तो अपडेट करना चाहे रिजल्ट सेक्शन को तो वो कैसे कर सकते। तो गाइस यहाँ पर मैं चलता हूँ और ये दिखाता हूँ मैं आपको रिजल्ट सेक्शन, तो रिजल्ट सेक्शन आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए यहाँ पे रिजल्ट सेक्शन दे रखा है। यह आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो देखिए प्राप्त अंक आपको देखने को मिलेंगे, कुल अंक देखने को मिलेंगे, चयनित अंक देखने को मिलेंगे। आप इस पोर्शन को अपडेट भी कर सकते हैं, जो भी चीज़ अपडेट करना चाहते हैं आप, प्राप्त अंक मैंने हिंदी में लिख रखा, आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे इसको अपडेट करके इंग्लिश में लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस, ये टेक्स्ट को अपडेट कर दीजिएगा। ये फाइनल स्कोर है, इसको भी आप अंग्रेजी में करना चाहे वो कर सकते, और इसका क्रम भी आगे पीछे करेंगे तो ये सारा आप यहाँ से, जैसे कि आप स्किप क्वेश्चन को पहले दिखाना चाहते हो तो ये पूरा का पूरा रो कॉपी करना आपको, और जिसके पहले दिखाना चाहते हो जैसे कि आपको यहाँ पे देखो इसके पहले दिखाना चाहते हो तो ऐसे लिया के कॉपी कर दीजिएगा, वो अप्लाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सारा कोड मतलब ऐसे भी वर्क करेगा, ठीक है।
तो गाइस सबसे बड़ी बात कि एरर वगैरह कैसे आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो एरर के लिए मैंने आपको बता दी कि आपको यहाँ पे सीधा ऊपर जाना है और ये जो कोड है ये इसके अंदर आपको एडिट करके एक एक कोड को यहाँ पे प्लस करके मैं आपको दिखा दूँ। एक एक कोड को ध्यान से देखना है, अगर एरर होगी तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे मेमना लिखा है, इसके पहले कि कहीं अगर ये एक ये भी हट गया तो आपको देखो प्रोग्रामर नोटपैड के अंदर ओपन करेंगे तो आप कुछ इस तरह का देख पाएंगे। यहाँ पे ये ब्लैक होगा, मतलब कि ये सारे एक जैसे कलर में और ये अलग हो जाएगा, तो इस तरीके से एरर आपको मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे अगर ये छोड़ दिया तो भी आपकी एरर आएगी। तो गाइस ये सारी चीज़ें आपको पर्टिकुलर यहाँ पे ऐड करनी है। ये ऑप्शन यहाँ पे आप यहाँ पे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इसको भी आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर दीजिएगा। तो गाइस इस तरीके से आप यहाँ पे कोड ये कर सकते, इस कोड का आप यहाँ पे चाहे तो नंबर वगैरह भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये पूरा कॉपी करके मैंने आपको बताया था कि ये पेस्ट करते जाना, आपने जितने क्वेश्चन आपको बढ़ाना है इस तरीके से, और कम करना है गाइस तो कम भी ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए जितने कम करना है उतने कर दीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए 10 पेज रखना चाहे, 10 क्वेश्चन रखना चाहे 10 रखिए, 5 रखना चाहे 5 रखिए। मैं एक 30 क्वेश्चन का 25 से 30 क्वेश्चन का एक आपको ब्लैंक कोड प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ गाइस, वहाँ से आप जाके कर सकते हैं। गाइस कोड के साथ साथ यहाँ पे आपको ये जो सामनगान प्रश्नोत्तरी उसको कैसे एडिट कर रहा है वो भी यहाँ से सिंपली एडिट कर लीजिएगा, ये चीज़ एडिट कर लीजिएगा। उसके बाद में गाइस जहाँ तक कि मैंने है ये सारी चीज़ें कवर कर दी है। और गाइस यहाँ पे मैं अपना एमसीक्यूस टेस्ट पे जाके आपको बता देता हूँ कि किस कुछ कुछ इस तरीके से एमसीक्यूस में जो मेरा टेस्ट है वो railwayjk.com मेरी वेबसाइट है जिसपे मैंने ये सब अप्लाई कर रखा है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा था कि ये कुछ इस तरीके से मैथ्स के क्वेश्चन मैंने क्या किया है, हर क्वेश्चन के लिए 54 सेकंड दे रखा है, तो कई टाइमर वगैरह एडिट करने का भी मैंने ऑप्शन बता दिए। और जैसे कि मैंने यहाँ पे बटन बताई थी कि वो फुल स्क्रीन वाली बटन मोबाइल के अंदर वर्क करेगी, यहाँ पे नहीं करेगी, वो देख लीजिए यहाँ पे वर्क कर रही है। और साथ ही साथ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, यहाँ पे 25 क्वेश्चन ऐड कर रखे, आप इसको कम ज़्यादा वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ब्लैंक कोड डिस्क्रिप्शन में लिंक में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जाके डाउनलोड करिए। और गाइस इसके बाद भी इतना कुछ एक्सप्लेन करने के बाद भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट में पूछना ना भूलें, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूँ। गाइस आपकी कोशिश करूँगा कि हर आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको फिक्स करके और आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँ या कमेंट में आपको रिप्लाई। दोस्तों मिलते हैं और किस शानदार वीडियो के अंदर, जब तक के लिए देखते हैं लगी होगी शानदार वीडियो। जय हिंद जय भारत।